हे हाय हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम डिफरेंस जानेंगे आईपीओ एंड ओएफएस में। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हो, लाइक आजकल तो बहुत बड़े बड़े कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं एंड मोस्टली सभी ओवर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं, राइट? तो सभी सबको चाह रहे हैं कि हमें किसी तरह कोई एक लॉट तो मिल जाए, जो कि मिल नहीं रहा। इवन मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कभी तो लॉट लगेगा, राइट? बट आपको एक चीज जो जरूर एनालिसिस करते टाइम देखनी चाहिए वो है कि ये आईपीओ है या ओएफएस। वो आप तब समझ पाओगे जब आपको इन दोनों का मतलब और डिफरेंस पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेम इटसेल्फ टेल्स कि इनिशियल यानी पहली बार, जब कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जा रही है फंड्स रेज करने के लिए। यानी कि इससे पहले कंपनी ने कभी पब्लिक से फंड्स रेज नहीं किए। हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट हो, प्रोमोटर्स का पैसा तो इन्वेस्ट ऑफ कोर्स है ही है उसमें, राइट? बट पब्लिक से पहली बार पैसे रेज करने जा रही है, फंड्स रेज करने जा रही है, एंड तभी वो कंपनी आईपीओ लेकर आती है, राइट? अब इसको ध्यान से समझे सिचुएशन को। आईपीओ में हो क्या है, कंपनी न्यू शेयर्स इश्यू कर रही है। अब नया कैपिटल कंपनी में आ रहे हैं, नए फंड्स आ रहे हैं कंपनी में, तो ऑफ कोर्स नया कैपिटल आ रहा है, उसके बदले में कंपनी नए शेयर्स भी इशू करेगी उस पब्लिक को, राइट? वो शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, राइट? अब जो नया कैपिटल आ रहा है, फंड्स आ रहे हैं, उसको कंपनी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करेगी, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी पहले ही बता देती है। हो सकता है कंपनी डेट रिपे कर दे, हो सकता है कंपनी ने कहीं प्लांट्स में इन्वेस्ट करना हो या मशीनरी लेनी हो। नहीं, इनसे क्या होगा, अगर डेट रीपे कर रही है ऑफ कोर्स उससे भी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कंपनी का कम होने वाला है, राइट? और अगर कंपनी नए प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही है उससे भी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ने वाली है, राइट? तो हो क्या रहा है इस केस में, जब आईपीओ आ रहा है उसके बाद जो फंड्स आ रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो पड़ने वाला है, जो कैपिटल रेज हो रहा है, उससे कंपनी की अर्निंग्स पे फर्क पड़ने वाला है। और अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा होने वाला है। शेयर प्राइस बढ़ेगा अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, राइट? तो इससे शेयर होल्डर्स को फायदा होने वाला है। यही अब ओएफएस क्या होता है, ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। इसका भी नाम से पता चल रहा है, सेल, ऑफर फॉर सेल। सेल यानी कि कंपनी अब नए शेयर इशू नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचा जा रहा है। होता क्या, जो कंपनी के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जो स्टार्टिंग में, राइट, लाइक एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्रमोटर्स भी हैं जो, राइट, उन्होंने अब कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब वो चाहते हैं कि हाँ उनको थोड़ा एग्जिट लेनी है या उनको कुछ शेयर होल्डिंग बेचनी है। तो एफएस में क्या होता है, वो अपनी कंपनी के जो उनके पास जो शेयर होल्डिंग है उसको बेच देते हैं, वो पब्लिक को दे देते हैं। यानी कि इस केस में हो क्या रहा है, अब कोई नए शेयर्स नहीं इश्यू हो रहे, इंस्टेड अब कंपनी पुराने एग्जिस्टिंग शेयर्स पब्लिक को देने जा रही है। यहाँ पे शेयर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने वाले हैं, कुछ नया नहीं है, राइट? तो कंपनी के पास नए फंड्स भी नहीं आने वाले। अगर नए फंड्स ही नहीं आ रहे कंपनी के पास तो डेफिनेटली इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब क्या, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के किसी भी तरह से? डेफिनेटली नॉट। इसका फर्क तो कंपनी पे पड़ने वाला है। कहाँ फर्क पड़ेगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू पे। अगर कोई कंपनी अच्छी है, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में काफी रहने वाली है। अगर कंपनी ओएफएस भी लेके आ रही है तो पब्लिक डिमांड करेगी उसकी, और लिस्ट भी हो सकता है प्रीमियम पर ही होगा, राइट? और उसके बाद भी डिमांड रहेगी तो शेयर प्राइस बढ़ने वाला है और डेफिनेटली कंपनी की मार्केट वैल्यू वहां से बढ़ने वाली है। ऑफ कोर्स अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, तो हमको तो उसकी मार्केट वैल्यू से ही फर्क पड़ता है, शेयर प्राइस से ही फर्क पड़ता है। और किसी भी तरह अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो हमें तो फायदा हो ही रहा है। तो इन दैट केस एज वेल, अगर ओएफएस लेके आ रही है एक अच्छी कंपनी जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो वहां पे भी शेयर प्राइस तो बढ़ने ही वाला है, वहां पे भी हमको वही फायदा हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझ आता है कि देखो, अगर आईपीओ आ रहा है तो डेफिनेटली उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो वो एक अच्छा पॉइंट है, बेटर पॉइंट है रेदर देन ओएफएस। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों ही केस में इन्वेस्ट करने का फायदा होगा अगर कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। बट यही अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि हाँ कंपनी के पास एडिशनल कैपिटल आ रहा है जिसको कंपनी इन्वेस्ट करेगी, यूज करेगी, जिससे कि कंपनी की अर्निंग बढ़ने वाली है। बट दोनों ही केस में अच्छा, अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आप आईपीओ का एनालिसिस करोगे तो इस पॉइंट को जरूर चेक करना। अब जो आईपीओ आ रहे हैं अगर उनको देखोगे ना, लगभग सभी में पार्शियली आईपीओ होता है, पार्शियली ओएफएस होता है, यानी दोनों ही पार्ट होते हैं। कोई कोई होते हैं कंपनी जिसमें या आईपीओ ही हो सकता है पूरा का पूरा, या फिर ओएफएस हो सकता है पूरा का पूरा, बट मोस्टली आप देखोगे पार्शियली पार्शियली दोनों ही होते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।